आपको ये मूवी देखनी है तो अकेले मत देखना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अकेले मत देखना ये पिक्चर को बिल्कुल भी। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम उठ चुके हैं और आज मैंने सोचा है कि मैं वर्कआउट में थोड़ा सा अपना चेंज करूँगा। तो मैं आज थोड़ा सा, मतलब मैं अभी तक HIIT कर रहा था, तो वो मतलब अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। 4-5 दिन से मैं कर रहा हूँ HIIT, तो मैं अब थोड़ा, मेरा फुल बॉडी वर्कआउट हो ही रहा था उसमें, तो मैं अब थोड़ा सा चेंज करता हूँ। होम वर्कआउट ही करूँगा फिलहाल तो, लेकिन मेरे पास डंबल्स भी हैं अगर मैं डंबल से करना चाहूँ तो लेट्स सी क्या होता है, और शाम को वॉक कर लूँगा। वर्कआउट डन आज, आज डंबल से वर्कआउट करा था तो वर्कआउट डन, अमेजिंग सेशन। जिस वीडियो को देखकर मैंने करा, मैं वो भी डाल दूंगा। 20 मिनट्स का वीडियो था, वर्कआउट विद ओनली डंबल्स। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देखिएगा उसको। ग्रेट, आई विल टेक अ शावर नाउ। तो गाइस, मैं अब जा रहा हूँ नहाने, उसके बाद मैं अपना मील बनाऊंगा, फिर मैं मील खाऊंगा, बस सो जाऊँ। मैं एग्स बना रहा हूँ अपने लिए अब, जिसमें से 2 एग वाइट और 2 होल एग रहेंगे, और मैं इसका ऑमलेट बना के खाता हूँ। और मैं घी में बनाता हूँ क्योंकि घी एक गुड फैट सोर्स है, तो मैं बनाता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। अंडा बनाने रख दिया है। मॉम इज हियर। मॉम छाछ का पैकेट लेकर आई है, साथ में छाछ पियेंगे। गर्मी, एग्स कुक्ड, तो मैं हाफ बॉइल्ड ही पका के खाता हूँ। तो मैंने इसमें अपना प्याज व्याज सब डाला हुआ है, और ये घी में बनाया मैंने, देसी घी, मेरी नानी के यहाँ से आया था, तो मैंने उसी में घी बनाया हुआ है। अब मैं इसको डालूँगा, इतना परफेक्ट देखा है कभी आपने? इतना परफेक्ट ऑमलेट, मतलब हाँ ऑमलेट ही हुआ। ब्रेकफास्ट हो गया है और नींद आ रही है, तो देखते हैं अभी क्या करा जाता है। थोड़ी देर मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 घंटे की नींद निकाल लूँ, उसके बाद सोच देखता हूँ कि क्या करूँगा। शाम को सोच, मैं कार्डियो करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि यार वेट तो बढ़ गया है ना। अब जितनी जल्दी मैं जिम ज्वाइन करूँगा, उससे पहले मैं जब तक थोड़ा वेट लूज़ कर लूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब जिम स्टार्ट करूँगा तो फिर से सीधा मसल बिल्डिंग के लिए आगे देखूँगा। और बस शाम को देखते हैं, कहीं पे जाने का भी होगा तो सीन। अभी पैंट भी सिलवाने के लिए देनी है मेरी जॉब के लिए, तो मेरे पास पैंट का कपड़ा तो पड़ा ही हुआ था, क्योंकि मैं तनिष्क में ही पहले काम करता था, तो तनिष्क से ही अब मैं वो कपड़ा मेरे को सिलवाने के लिए देना है, तो वो शाम को शायद दे कर आऊँगा, या अभी थोड़ी देर में चले जाऊँगा अगर नींद नहीं आई तो। वैसे मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, 1 या 2 घंटे का एक अच्छा नैप चलेगा। गाइस, मैं अभी रॉनी के रूम पे आया था, ठीक है। तो ये मेरे सारे स्कूल फ्रेंड्स ही हैं, ये हाँ, विकास मिश्रा, और थैंक ये इसको तो मैं, आप बर्ड्स का बर्थडे था, आप मिले थे इसे, तो अभी हम बातें कर रहे थे अपने स्कूल के दिन के, याद कर रहे थे कि कैसा ओके स्कूल के दिन याद कर रहे थे। Thank you.
वी आर लीविंग ब्रो. ओके सी यू मैन. चलो एडियोस. चला जाते हैं. तो अभी मैं और मोनू थोड़ा अभी आ रहा हूं. तो यहीं होंगे. रियली सॉरी यार. अभी तो यहीं होंगे. अगेन रियली सॉरी फॉर दैट. इट्स नॉट इक्वल टू इशू. अरे यार यू कैन रिटर्न मी द के कहता सो कॉल्ड प्रेजेंटली बाय नॉट विशिंग मी. दैट्स द ओनली थिंग आई कैन श्योरली विश यू मैन. अभी तो क्या बोल चलाता है यू. हां ठीक है. चला आओ तुमने बोल अब क्रैक हो गया करके. आज हीरो बन रहा है. मैं बोल रही हूं तू दिनास में बोला रही आज मशीन नहीं थी. नहीं अब जा रहे हैं भाई 7 बजे के घर घर बार वाले. तो गाइज अभी हम खाने जा रहे हैं. कहाँ जाना है भाई बताओ. आई थिंक वी शुड गो टू चमन. चमन हमारे यहाँ मतलब इस एरिया में चमन एक मोमो वाला है. बहुत अच्छे मोमो बनाता है. तो वहाँ पे एक फुल प्लेट चमन का मोमो. उसके बाद हम चलेंगे शमा. ठीक है शमा. शमा में पनीर. ठीक है उसके बाद एक लस्सी. ठीक है तो देगा. तो गाइज हम अभी काजू शेक पीने के लिए आ गए हैं अंकल की दुकान. अंकल बहुत टाइम से हैं वैसे. कब से हो अंकल आप यहाँ पे है? कब से हो आप? मैं आपको बहुत बचपन से ही देख रहा हूँ अंकल का. पंचक्की पे लगाते थे आप वो मूंगफली की दुकान भी तो खोलते थे है ना? हैंडल पे. हैंडल पे मैं बहुत पहले से मतलब काफ़ी सालों से छोटा था तब से ही देख रहा हूँ. सो रीच्ड होम गाइस. और मैं वो जल्दी जल्दी से मम्मी का फ़ोन भी आ गया था कि बूरा लेकर आ जाना. मम्मी वो बना रही है गुजिया बना रही है ना कल के लिए. कल होली है तो उसके लिए हम मम्मी गुजिया बना रही हैं. तो मैं जल्दी से बूरा लेकर आया. तो अब मम्मी उसमें बूरा डालेंगी. मीठी मीठी मस्त गुजिया बनाएंगी फिर हम ये खाएंगे. कल होली है. आप लोगों को एडवांस में हैप्पी होली. शायद ये ब्लॉग आप कल देखो. और मम्मी बुला रही हैं किसी काम से. देखते हैं. हाँ बोलो मॉम. मॉम बोलो क्या कह रहे हो. क्या मेन्यू बना बन जाएगा ना. आप बनाओ तो सही. अरे ट्राई तो करो बन जाएगा यार. नहीं मैं क्या बताऊँ. चाय पी ले. हैं चाय दे दो थोड़ी सी. सर में भी थोड़ा थोड़ा दर्द सा हो रहा है. ठीक हो जाएगा ना. क्या यार नज़र लगती है क्या हर बारी. अभी मैंने पूरा नहीं बनाया जरा पापा के लिए निकाल दी ना. हाँ जैसा. अच्छा पापा के लिए वो बिना चीनी वाले ना. हाँ बाबा खाते नहीं है फिर. तो और कितनी डालोगे. कितनी डाली मेरे को क्या पता. आपने उसे डाली मेरे से बोल रहे. चीनी डाली थी मैं पापा को देके आई थी जब. मैंने भी नहीं पी थी. फिर मैंने खाना खाया. तुमने तो आज खाना भी नहीं खाया. हाँ मैंने नहीं खाया आज खाना. पापा ने भी नहीं खाया खाना. भूख से ही लग रही थी. मैंने अभी बाहर काजू शेक पी लिया था मोनू के साथ थोड़ा. तो दोस्तों के साथ ही खाने में पेट कम हो गया यार. और तो कुछ नहीं तो घर आके बाय गॉड है. मुझे नहीं पता. नहीं पेट ऐसा हो गया. कैसा हो गया पेट. पतला हो गया. ऐसा हो गया यहाँ से जरा. ठीक है यहाँ से ऐसे हो गया. बहुत फर्क पड़ गया. पता नहीं हुआ हो क्या पता. पैंट देके आ गया. पैंट देकर आ गया. कब देंगे. 22 तारीख को. बाप रे जब तुझे उससे पहले जाना पड़ गया तुमने 22 का कहा. तो अब वो होली में छुट्टी पे जा रहे थे टेलर सारा. तभी तो मैंने कहा तू कहता इमरजेंसी है मेरे को जाना. मैंने बोला था उनसे. वो कह रहे हैं कि कल से छुट्टी पे जा रहे हैं सारे कारीगर तो कैसे दे पाएंगे. 20 को भी नहीं दे पाएंगे. मैंने कहा 21-22 तक दे देना. तो कह रहा 21 को कोशिश करूँगा 22 को कंफर्म दे दूंगा. तो मैंने कहा 21 को दे देना. कह रहा 22 की डेट डाल रहा हूँ. अगर आप 21 को बन जाएगी तो मैं आप आ जाना एक बार पूछ लेना. तो मैंने कहा ठीक है बस. अच्छी से लाता जरा ढीले डाली. अच्छी से लाई है मैंने क्योंकि बार बार मोटा हो जाता हूँ पतला हो जाता हूँ. तो मैंने उससे बोला था कि यह कहते हैं वो पैंट में ना गैप रखना थोड़ा सा कि छोटी बड़ी कर सकूं. तो उसने बोला कि हाँ हाँ वो तो 3-4 इंच का गैप रखते हैं छोटा बड़ा करने के लिए. मैंने कहा हाँ वही. कभी मोटा हो जाता हूँ कभी पतला हो जाता हूँ. तो मैंने वही बोला. अभी पी रहा हूँ गॉइज में चाय मस्त. और मेरे थोड़े सर में भी दर्द हो रहा था तो ये इससे मेरा ठीक भी हो जाएगा. और मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ी देर अभी टाइम है ही खाना खाने के लिए.
अभी बज रहा है 8 बज रहा है, और क्या कहते हैं हमारे घर में खाना वैसे भी लेट ही बनता है, तो मेरे को टाइम ही लग जाएगा खाने में। 9-10 बजे तक ही खाते हैं हम, क्योंकि हम लेट ही खाते हैं थोड़ा। पापा शॉप पे भी रहते हैं तो लेट से ही खाते हैं थोड़ा सा। और अपना बस अब मैं थोड़ी देर में सोचा अपनी जो कल मूवी मैं देख रहा था सिसिन, वही वाली मूवी अब मैं आगे देख रहा हूँ। सेकंड पार्ट है जो उसका, रॉनी बता रहा था बहुत ज़्यादा मतलब और डरावना पार्ट है, तो मैं अभी टाइम से देख लेता क्योंकि गाइस वी आर वॉचिंग रियली वेरी हॉरर मूवी। मैं आपको नाम बताता हूँ, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, यूट्यूब पर ही है। बहुत ही हॉरर, बहुत डरावनी है। मतलब हम देख रहे हैं, हम लगातार वैसे ज़्यादातर देखते ही रहते हैं भूतों की पिक्चर, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं इसका नाम भी बता देता हूँ मैं आपको। मैं आपको बैक कैमरे से ये देखिए गाइस, इसका नाम सिसिन करके है। 2014 वाला पार्ट है ये, और अभी इसमें मतलब ये बहुत डरावनी, मतलब मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ इसमें, बहुत अजीब बहुत घिनौनी इस टाइप की पिक्चर है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें, ये देखिए, ये इसकी बूढ़ी माँ होती है, ये मर जाती है और ये टॉयलेट से ब्रेड का चूरा खा रही है। आपको ये मूवी देखनी है तो अकेले मत देखना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अकेले मत देखना ये पिक्चर को बिल्कुल भी। हमारी ना लाइट बंद करने की हिम्मत नहीं है, लाइट बंद करने की हिम्मत नहीं है हमारी। और अभी रात के पता कितने बजे, 12:30 हम अब लाइट खोल के ही सोए थे। अब आप देख लो ना, आप जैसा देखो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मूवी का। हमने मूवी देख ली गाइस, और बहुत डरावनी बहुत ज़बरदस्त मूवी बनाई गई है, इस्लाम के ऊपर बनाई गई है, तो आप देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूँगा। तो गुड नाइट, अब सुबह मिलते हैं।